बीवर फॉर यू आप देख रहे हैं, और जेपीएससी पीटी जो एग्ज़ाम आज कंडक्ट हुआ है उसके पेपर टू का दो पार्ट में हम अपलोड करने वाले हैं। पहला पार्ट आज देखिए। सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन का ये सीरीज सी है परहैप्स, हाँ सी ही है। तो सबसे पहला सवाल है, कंसीडर रिगार्डिंग सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, द पॉलिसी वाज अनाउंस इन ईयर 2009। पहला ये है। दूसरा है, टू इनक्रेज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट टू सरेंडर एंड टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फॉर देम इज़ द मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी। थर्ड है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मीन्स दोज हु हैव बीन डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 16 ऑफ इंडियन क्राइम एक्ट। और फोर्थ है, सरेंडर इज़ फुल्ली वॉलंटरली। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा सही है आंसर। आप आंसर करके हमें बताइएगा, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर ऑलरेडी उपलब्ध है सबके पास, ठीक है? तो आप विचार करिए और कमेंट बॉक्स में डालिए। नेक्स्ट सवाल है, व्हेन इज झारक्राफ्ट इस्टेब्लिश्ड, तो झारक्राफ्ट कब इस्टेब्लिश हुआ, 2006 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर द झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2015, एक्सपोर्ट पॉलिसी 2015 का है उसके बारे में बताना है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। दूसरा है, प्रोवाइडिंग चीप एंड इक्वलिटी गुड्स इन ग्लोबल मार्केट। विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी झारखंड कंट्रीब्यूशन इन ऑल इंडिया एक्सपोर्ट टू रिच 2% बाई 2020। और फोर्थ है, झारखंड एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड हैज़ बीन सेटअप टू प्रमोट एक्सपोर्ट। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कि बीच ऑफ देम आर करेक्ट रिगार्डिंग पीवीटीजे डाकिया योजना, इसके बारे में कौन सा सही है। इट इज़ स्टार्टेड इन 2017, ये सही है। दिस इज़ फूड सिक्योरिटी स्कीम ओनली फॉर प्रिमिटिव ट्राइब, ये भी सही है। और 25 kg के बदले इसमें 35 kg है, और PDS डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू नहीं करना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ DVC हाइडल पावर प्रोजेक्ट, टोटल इंस्टॉल्ड कितना है, तो ये ऑप्शन नंबर डी 147.2 मेगावाट, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पंचेत है, पंचेत में है करीब 80 मेगावाट, और मैथन में है करीब 63। नेक्स्ट देखते हैं, एज ऑफ 31 मार्च 2019, द HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हैज ट्रांसफर्ड, ये सब है कि कितना लैंड, एक्चुअल सवाल ये है कि इसके पास ओरिजिनल डीड में कितना ज़मीन था। तो ओरिजिनल डीड में इसका ऑप्शन नंबर ए 7,999.51 एकड़ भूमि था। नेक्स्ट देखते हैं, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड वाज प्रमोटेड बाय टाटा स्टील एंड ACC लिमिटेड, व्हेन वाज TRF लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट कब हुआ, ये हुआ था 20 नवंबर 1962, 1962। नेक्स्ट देखिए, इसमें मैच द फॉलोइंग है, कंपनी का नाम है और उसका एड्रेस है, तो आप देख लीजिए। जो हुडको का ऑफिस है ये ए का सी अशोक नगर में है, और जो वेदांता है, वेदांता का ऑफिस है हरमू में, और डालमिया का है बालीडीह में। तो इसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू री इन्फोर्स द वैल्यू चेन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री अक्रॉस द स्टेट थ्रू कैपिटल इन्फ्यूजन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल अपग्रेडेशन एंड हाउस होल्डिंग हैंड हैंडलिंग इज वन ऑफ द विजन ऑफ द झारखंड टेक्सटाइल अपैरल एंड फुटवेयर पॉलिसी, व्हेन वाज दिस पॉलिसी फॉर्मुलेटेड। सीधे सीधे आंसर करना है कि टेक्सटाइल पॉलिसी कब फॉर्मुलेट हुआ था, ये 2016 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा सवाल है, विच व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सही नहीं है। 100 सेपलिंग आर प्लांटेड इन वन यूनिट, ये सही है।
अंडर दिस स्कीम द साइट्स ऑफ विलेज अप्रोच रोड एज वेल एज इनर रोड कैन बी यूज, ये भी सही है। द स्कीम रन्स अंडर मनरेगा, ये मनरेगा के अंतर्गत है, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, जो सही आंसर होगा। अब देखिए पीटीजी डाकिया स्कीम ऑलरेडी इसके पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये 2017 में स्टार्ट हुआ है, सही आंसर है 11 का है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, जो हम लोग जो हार बोलते हैं, प्रोजेक्ट एम्स टू इन्हांस द डाइवर्सिफाई हाउस होल्ड इनकम इन सेलेक्ट फॉर्म एंड नॉन फॉर्म सेक्टर्स फॉर टारगेटेड बेनिफिशियरी इन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ झारखंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इन दिस प्रोजेक्ट, कौन एजेंसी फंड कर रहा है, तो इसका फंडिंग एजेंसी कौन है, IBRD जिसको वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट हैज लीस्ट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन झारखंड, झारखंड में सबसे कम फॉरेस्ट एरिया किसका है, तो ये है जामतारा का। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी और कॉलेज इज नॉट कवर्ड अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये कौन कौन के लिए मिल रहा है, तो लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के लिए मिल रहा है, लिट्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के लिए नहीं मिल रहा। नेक्स्ट देखते हैं, वट इज़ नॉट ट्रू अबाउट मेसो हॉस्पिटल, मेसो हॉस्पिटल के बारे में क्या सही नहीं है, तो रिंची ट्रस्ट रन्स मेसो हॉस्पिटल एट जोनहा, ये ठीक है, ओनली 1 रुपीज इज चार्ज फॉर कंसल्टेशन इन दिस हॉस्पिटल, ये प्राइमरी हेल्थ के, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, प्राइमरी हेल्थ केयर ये देते हैं, रूरल एरियाज में देते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड हैज़ इस्टेब्लिश्ड ए हर्बल डिमॉन्स्ट्रेशन नर्सरी फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन पर्पसेस एट देवीपुर, देवघर, बरकागांव, हजारीबाग, लाल खटंगा, रांची और पेटरवार, बोकारो, तो ये सही आंसर है पेटरवार, बोकारो। नेक्स्ट देख लेते हैं, आफ्टर झरिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गॉट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोवियन रिजर्व कोल इन झारखंड, नॉर्थ कर्णपुरा, राजमहल, वेस्ट बोकारो और साउथ कर्णपुरा, देखिए इसका सही आंसर है वेस्ट बोकारो। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन झारखंड एरिया अंडर कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, कल्टिवेबल है लेकिन वेस्ट लैंड है, वो प्रतिशत कितना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3.6। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क सेंचुरी ऑफ झारखंड इज ओल्डेस्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट, तो देखिए गौतम बुद्ध सेंचुरी ये करीब 76 का है और पलामू अबाउट 73 का है, लेकिन सबसे पुराना जो है तोपचांची है, ये 1924 का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ऑब्जर्व क्लाइमेट चेंज इन झारखंड इज बिकॉज ऑफ, झारखंड में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका कारण क्या है, ग्रीन हाउस इमिशन, ऑल ऑफ दिस, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, एनर्जी सेक्टर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी 2011, अगर ये पॉलिसी पता है तो इसके बारे में आप आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगा। ऑप्शन नंबर ए है, रिड्यूसेस वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स नेचुरल हिजर्ड, कन्फर्म्स विथ क्लाइमेट चेंज सिनेरियो, एड्रेसेस एडप्टेशन कैपेबिलिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, झारखंड फेयर्स पुअरली इन टर्म्स ऑफ कैनल इरीगेशन बिकॉज, कैनल इरीगेशन में झारखंड पिछड़ा है, क्यों पिछड़ा है, कि रेनफॉल इज सफिशियंट ऐसा है नहीं, फार्मर प्रैक्टिस ड्राई फार्मिंग, द एरियाज हिली, द एरियाज फॉरेस्ट, देखिए हिली एरिया यहाँ पे है, झारखंड इज रिच इन रिन्यूएबल रिसोर्सेस बिकॉज ऑफ, किस वजह से रिन्यूएबल रिसोर्सेस में ये रिच है, समृद्ध है, देखिए इग्नियस रॉक्स आर रिच इन मिनरल, लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेस्ट कोल रिजर्व यहाँ पे है, एबुंडेंस ऑफ वाटरफॉल्स, ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए मददगार होता है। नेक्स्ट देखते हैं,
फ्रॉम द डिकेडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द स्टेट ये 1956 टू 2008, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. मिनिमम एवरेज रेनफॉल वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग 1991 टू 2000. देखिए यही ऑप्शन जो इसका है ये गलत है, क्योंकि 91 से 2000 के बीच में मैक्सिमम रेनफॉल हुआ था, मिनिमम नहीं हुआ था. इस समय मैक्सिमम रेनफॉल हुआ था और ये रेनफॉल करीब 1623 mm के आसपास हुआ था. नेक्स्ट देख लेते हैं, झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान. इसका ये मैनेजमेंट प्लान का खास क्या है, प्रमोट एफॉरेस्टेशन अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट फॉर रेस्टोरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. सी में है एड्रेसेस एडाप्टेशन कैपेबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी कंट्रोल्स ग्रीन हाउस इमिशन गैस. देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एड्रेसेस मतलब समुदाय के अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित, उसको संबोधित नहीं करना, उसको एड्रेस करना, उसको दूर करना, निदान करना. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लान ऑफ झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. तो इसका क्या क्या प्लान है, अगर ये प्लान आपको आपका पढ़ा हुआ है तो इससे रिलेटेड सवाल का जवाब है, एसेसेस एंड रिकमेंड स्पेसिफिक मेजर्स फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, स्टार्ट सोशल फॉरेस्ट्री इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, आइडेंटिफाई क्लाइमेट चेंज रिस्क इन वेरियस सेक्टर, डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल वल्नरेबिलिटी मैपिंग एंड रिस्क. देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोशल फॉरेस्ट्री ऑल डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट नहीं करना है. नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ मिटिगेशन एंड एडप्टेशन प्लान. देखिए ये भी जो अभी क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन देखे वही प्लानिंग से ये भी संबंधित है. तो इसके लिए स्टेट वर्किंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, सेक्टोरल वर्किंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी. तो इसके लिए स्टीयरिंग कमेटी है जो टाइमली डिलीवरी ऑफ मिटिगेशन एंड एडप्टेशन प्लान देखता है. फिर देखिए उसी से संबंधित सवाल है, जे ए पी सी सी वाज रिलीज ऑन, ये कब रिलीज हुआ था, ये रिलीज हुआ था आपका 30 जून 2008 को. नेक्स्ट देख लेते हैं कि द डिस्ट्रिक्ट दैट हैज बीन चूजन फॉर ग्रीन इंडिया मिशन. देखिए सब उसी से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ग्रीन इंडिया मिशन अंडर NAPCC. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरायकेला खरसावा. नेक्स्ट देख लेते हैं, टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू ब्रिंग लेजिस्लेटिव मेजर इन लाइन विथ मॉडल ऑफ भीच स्टेट. तो पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र. तो इसका आंसर उड़ीसा होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट देख लेते हैं, झारखंड हैज़ बीन अवार्डेड क्लीनेस्ट स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 एंड रैंक टैज. तो स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान मिला था 2019 में. नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए कितना पुराना सवाल दिया गया है, द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड विच हैज रिसीव्ड ए लिटिल मोर देन नॉर्मल एवरेज लिमिट 951 mm ऑफ रेनफॉल टिल 30/9/2019. तो रामगढ़, रांची, साहेबगंज और देवघर. इसका देखिए सही ऑप्शन है देवघर. इसमें से देखिए देवघर, गोड्डा और पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम ये चार जिले थे जिसमें ज़्यादा बारिश हुआ था. नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए फिर IPCC से ही संबंधित सवाल है, द IPCC सीरेस इमिशन. देखिए सीरेस बोलते हैं स्पेशल रिपोर्ट ऑन इमिशन सिनेरियो. IPCC सीरेस इमिशन सिनेरियो फॉर झारखंड इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है, वार्मिंग विल बी रिलेटिवली ग्रेटर इन समर एंड विंटर, वार्मिंग विल बी रिलेटिवली ग्रेटर इन विंटर एंड पोस्ट मानसून. देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है. नेक्स्ट देख लेते हैं, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन वाज हाइएस्ट एज पर झारखंड इकोनॉमिक सर्वे. देखिए झारखंड इकोनॉमिक सर्वे हाल ही रिलीज हुआ था 19-20 का. तो इसके हिसाब से लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन हाइएस्ट, सबसे हाइएस्ट कहाँ था,
तो सबसे हाईएस्ट ऑप्शन नंबर सी सही है, सबसे ज़्यादा धनबाद का था, उसके बाद सेकंड में था ईस्ट सिंहभूम, आपका ये दूसरा स्थान पे था ईस्ट सिंहभूम। नेक्स्ट देख लेते हैं, द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द स्टेट ग्रुप स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ झारखंड इन ईयर 2019-20 इज अबाउट। आप देखिए ये भी जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है उसी से संबंधित है 19-20 का, तो इसका देखिए सही आंसर है 39%, ये एक्चुअली में 11-12 के आसपास ये था 45% झारखंड का, तो इधर इसमें घटा है, इसका वैल्यू थोड़ा कम गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ ए प्लास्टिक पार्क एट ए कॉस्ट ऑफ 120 करोड़ इन एरिया ऑफ 150 एकर्स। तो ये प्लास्टिक पार्क कहाँ अभी गठन होना है, ये देवघर में होना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना इज अ टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वेलफेयर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स इन झारखंड वाज एग्जीक्यूटेड इन, कौन सा एग्जीक्यूट हुआ था, तो ये था अगस्त 2019 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन झारखंड खरीफ मार्केटिंग सीजन के एम एस रन्स फ्रॉम विच पीरियड, खरीफ मार्केटिंग सीजन कब से शुरू होता है, तो देखिए खरीफ मार्केटिंग सीजन 1 अक्टूबर से 30 सितंबर नेक्स्ट ईयर तक होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द हेड ऑफ पढ़ा पंचायत इज नोन एज, अब देखिए कुछ आसान सवाल है, झारखंड का जो खास तैयारी करके रखे हैं उनके लिए ये सब लॉलीपॉप टाइप का है। तो द हेड ऑफ पढ़ा पंचायत इज नोन एज, पढ़ा पंचायत को, पढ़ा पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं, तो इसका नाम होता है पढ़ा राजा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द असिस्टेंट टू विलेज हेडमैन इन ए संथालिस कॉल्ड, विलेज हेडमैन के असिस्टेंट को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इन्हें प्रमाणिक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा विलेज, मुंडा विलेज को रिलीजियस हेड को क्या बोलते हैं, पाहन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेम द रूलर हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ नागवंशी स्टेट फ्रॉम सुतियांबे टू चुटिया, इनका नाम था प्रताप राय। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज बिटलाहा, बिटलाहा क्या होता था, बिटलाहा अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज सेंदरा वैसी, सेंदरा जनरली इसका हंटिंग से संबंधित है, हंटिंग काउंसिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मीटिंग ऑफ पंचायत इन मुंडा विलेज इज हेल्ड एट ए प्लेस नोन एज, मुंडा का जहाँ पे मीटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, अखाड़ा। तो चलिए इस तरह से पार्ट वन अब समाप्ति होने वाला है। अब देखिए, डोकलो शहर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये जो एसोसिएटेड विथ डोकलो शहर के से संबंधित है, ये ऑप्शन नंबर बी, ये खड़िया से संबंधित है। तो इस तरह से पार्ट फर्स्ट समाप्त हुआ, पार्ट सेकंड के लिए यू हैव टू वेट। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस, और हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, बहुत सारे सवाल आपको लग सकता है, जैसे पहला ही क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था कि आप आंसर करके बताइए, तो आप बताइए, कल मैं आंसर बताऊंगा। थैंक्स।